अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं आप लोग फरहान जो लगा हुआ है, फरहान सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो ना आज फरहान और मैंने काम करना है, तो थोड़ा बहुत आप लोग इसे भी शेयर करेंगे और वीडियो के साथ भी आप लोगों ने जुड़े रहना है। तो शाम का जो हमारा आज खाना होगा वो भी स्पेशल बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से लाजमी शेयर करेंगे। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर भी किया करें। चलो आज फरहान, अभी अब्बू देखिए जानवर को पानी पिला रहे हैं, तो ये दोनों जो ना डेली की तरह आपस में लड़ रहे हैं। आज घास इनको नहीं डाला, अभी डालेंगे, लेट हो गए हैं आज। से ले जाओ, ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी आज मिट्टी उन्होंने डाली है यहाँ जो हम चूल्हा बनाएंगे। तो कल है ना जुम्मा, कल काम नहीं करेंगे वो, इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन जो है ना वो उन्होंने कहा है कि चूल्हा बनाएंगे। तो आज जो है ना वो चले गए थे तकरीबन 12 बजे, क्योंकि आज उन्होंने छतों की लिपाई की है, पक्की छतें मतलब कि कर ली है। बाकी उन्होंने ये अंदर से आप लोग को दिखा, ये प्लस्तर का काम किया है, तो चले गए थे और कोई काम था उनको, तो उन्होंने कहा कि फिर हफ्ते वाले दिन आएंगे, तो हफ्ते वाले दिन सारा काम आप लोग को करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप लोग देख सकते हैं अब्बू जी यहाँ से पानी जानवर को पिला रहे हैं। वो भी आपको बताता हूँ कि क्यों मैं यहाँ से पानी भर के जानवर को पिला रहा हूँ, क्योंकि नलके का पानी थोड़ा सा मीठा पूरी तरह से नहीं है, नमकीन तो वो मीठा था, तो अब जानवर खुशी से नहीं पीते, तो साथ में बह रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं से ही भर के पिला लेते हैं, और अब तो वो बस करने का नाम नहीं ले रहे, तो मैं चौथा चक्कर जा रहा हूँ अब, क्योंकि जानवर ये 3 बाल्टियाँ पीती थी, अब वो पाँचवीं लेके जा रहा हूँ मैं उसके लिए, भैंस के लिए, और गाय ने भी 3 पी ली हैं। तो आप लोग को जैसे पता है जानवर जो है ना और नलके से पानी पिलाए, नलके की हत्थी का बैरिंग भी टूटा हुआ है, तो वो बनवा लेंगे 2-3 दिन में, लेकिन अभी मिस्त्री घर पे हैं तो इंशाल्लाह नहीं जा सकता मैं, तो थोड़ा सा भारी मालूम होता है, तो वैसे नलके का पानी हमारा अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था जी, तो वो भी आसानी से अच्छी तरह से नहीं पीते ये पानी। ये मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, ये जो साथ हमारे ट्यूबवेल था ना, ये देख सकते हैं, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से फट्टी रखी हुई है वो गुजरने के लिए बाइक। अभी अम्मी जो हैं ये देखें चावल डाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं दोबारा से दूध वाली खीर, तो सिवैयाँ नहीं बनाई फिर, क्योंकि हमने सोचा कि चलें दूध वैसे बचा हुआ था आज काफ़ी, तो खीर बना लेते हैं, वो भी अच्छी होती है खीर भी। अभी फरहान जो ये देखें होमवर्क कर रहा है, चार पॉइंट जाना वो आज, चलो जल्दी जल्दी कर लो फिर रात हो जाएगी, तभी हमारी खीर जो है वो भी तैयार होने वाली है। देख सकते हैं चावल जो है वो नीचे देख चिको लग न जाए, इस वजह से अम्मी ने कहेंगे इसमें चम्मच छिलाते रहो। अम्मी जाना थोड़ा सा भैंस का दूध निकालना होता है इस टाइम, अबू के साथ भैंस का दूध निकाल रहे हैं, ये अभी बस तैयार होने वाली है। तो आप लोग को एक मज़े की बात बताऊं, मेरे दादा अबू जो हैं वो अक्सर यहीं पे मतलब के दिन को भी आते हैं शाम को भी, तो हम कोई भी चीज़ बनाए तो उनको भी देते हैं, चाचा सर की फैमिली भी, तो हम जो है ना जब भी कोई चीज़ बनाए ना तो मीठी होती है, तो
तो मजाक कर रहे थे कि आप लोग जब भी मैं कुछ खाऊं यहाँ से तो वो मीठा होता है और वो जो है वो नमकीन बनाते, तो इसकी वजह क्या है। तो अब्बू कह रहे थे कि हमें मीठा पसंद है तो उनको नमकीन, अक्सर वो मीठा नहीं बनाते। चचेसुर की फैमिली जो है वो ज़्यादातर पुलाव बनाते हैं या दाल चावल, इस तरह की वो बनाते हैं जब भी बनाए। हम तो सिवैयाँ या खीर या ऐसे मीठा जो होता है ना, जैसे सूजी का हलवा, ये चीज़ें बनाते हैं। अभी अब्बू जी ये देखें भैंस का दूध निकाल रहे हैं। और ये क्यों है खास से निकाल रहा हूँ, ये भी आपने बताया है? तो ये इसके जो दूध निकालना जहाँ से होता है ना, नहीं, एक और इसका जो है ना वो फटा हुआ है थन, एक और फट चुका है, तो आज मैं ट्यूब भी लेकर आया हूँ, तो ज़रा करीब से आके दिखाओ ना पीछे से। मैं वो ये जो पिछला पीछे वाला ये खड़ा है, देखिए हाथ लगाते हैं तो ज़रा टांग मारती है। हाँ सिर्फ दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो दूसरी ट्यूब अब लेके आ रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ बस नहीं, वो पहले वाले दो ठीक हो गए हैं, अब ये एक पिछला जो बच्चे खड़े थे पहले से वो नहीं फटे थे पहले, वही फटा है अब। कट्टी को भी थोड़ा सा दूध पिलाते हैं तो नहीं, अभी दो थन उसको पिलाए हैं तो दो से जाना दूध हम खुद निकालते हैं। वैसे आज काफ़ी सारा हमारा दूध बचा हुआ था, तो रात को ये दूध बॉयल करेंगे और पियेंगे, तो सुबह भी इससे चाय बनाएंगे फिर। तो माशाल्लाह से खीर जो है वो तैयार हो गई है, क्या आप लोग देख सकते हैं। अभी बर्तन में डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह। तो तकरीबन चावल जो होते हैं वो आधा किलो होते हैं, बाकी सारा दूध होता है, तो वही आधा किलो चावल भी बच जाते हैं। तो हमारी फैमिली जो है ना छोटी सी है, तो थोड़ा सा जो चावल ऐसे हो गए ना ये हम कम खाते हैं बिल्कुल। जब हम नमकीन चावल बनाए ना तब भी हम आधा किलो बनाते हैं। अभी ये आप लोग देख सकते हैं, तो फैमिली को जो है ना मैंने खीर दे दी है, अभी थोड़ा गर्म है तो ठंडी हो जाती है, तभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप लोग को कैसी बनी हुई है। और वैसे भी हर दफ़ा की तरह इस बार भी बहुत ही मज़े की बनी होगी, क्योंकि दूध जो होता है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो बहुत ही मज़े की हमारी जो सिवैयाँ होती है वो भी बनती हैं और खीर भी, इस तरह इस वजह से हम दूध वाली चीज़ें बनाते हैं। तो फरहान जो है ना वो बहुत शौक से मीठा खाता है। नहीं बहुत अच्छी बनी है, तो मीठा हम ज़्यादा खाते हैं फरहान की वजह से। वैसे भी अब्बू को भी मीठे का शौक़ है, नमकीन जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा वो हम नहीं खाते, ना ही कभी मतलब के पुलाव ज़्यादा बनाते हैं, तो ना ही कोई दाल चावल जैसे हो गए। मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह बनाएंगे, तो अभी हमारा घर कंप्लीट बन जाए उसके बाद फिर हम जो दावत करेंगे, थोड़ी सी जो हमारे हमसे होगी इंशाल्लाह तब जो फिर बनाएंगे पुलाव। बिस्मिल्लाह टेस्ट करते हैं। तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी है। तो आज काफ़ी लेट हो गए हैं हम, अभी अंधेरा हो रहा है देख सकते हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आज जो है ना कुछ काम का वगैरह करते रहे हैं, फिर जैसे आप लोगों को पता है कि कोई कुकिंग की वीडियो बनाए ना तो फिर लेट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह कल जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी हमारी जो छतें बनाई है ना मैं न्यू, तो वो इंशाल्लाह उसकी वीडियोज़। तो वीडियो के आखिर में भी मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे, और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। परिंदे की भी आवाज़ें आ रही हैं उस साइड पे, लोग देख सकते हैं जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ, रात हो गई है ना, अभी आवाज़ें जो है ना वो आना शुरू हो गई हैं इनकी। दिन को हलचल होती है ना घर में तो आवाज़ें नहीं आती शाम को, फिर तो काफ़ी आज लेट हो गई हूँ वीडियो अपलोड करूँगी, शाम को सिग्नल भी नहीं होते बिल्कुल। तो ये ईंटें आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी बची हुई हैं, बाकी तो नीचे फर्श में लग जाएंगी, ज़्यादा ईंटें वैसे नहीं बची, आप लोग कह रहे थे कि ईंटें काफ़ी आप लोग की बची हुई हैं, तो आप लोग जो है बरामदा बनवा लें, कल कमेंट आए हुए थे। तो दरअसल ईंटें ये देखें थोड़ी सी कम हैं,
कुछ फर्श में लगेंगे, ज़्यादा नहीं है 9 इंच की वजह से हम फिर बरामदा इस बार नहीं बनवा रहे, इंशाल्लाह फिर कभी बनवाएंगे। अभी बस इतवार वाले दिन लास्ट बस काम ख़त्म, तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।